नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पिछले दिनों बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षाएं संपन्न हुई, साथ ही साथ उसके कुछ दिन के बाद मैट्रिक की परीक्षाएं भी पूरी कर ली गई, जिसके बाद अब स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतज़ार है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इंटर की जो रिजल्ट है वो मार्च में आएगी और मैट्रिक की परीक्षा की जो रिजल्ट है वो अप्रैल तक दे दी जाएगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इन दोनों के जो एग्ज़ाम थे वो फरवरी में ली गई थी और अब इसके रिजल्ट जो हैं मार्च और अप्रैल तक आने की संभावना है। क्या कुछ मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, हम आपको बताते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा भी बुधवार को संपन्न हो गई। बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की कॉपियों को तेजी से मूल्यांकन के रूपरेखा में तय कर दिया है। बोर्ड ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से 5 मार्च तक कर दी जाएगी, साथ ही साथ मैट्रिक का मूल्यांकन 1 से 12 मार्च के बीच होगी। इंटर का रिजल्ट मार्च में तो मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंत या 15 अप्रैल तक आ सकता है। इंटर के लिए 123 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 20,427 प्रधान परीक्षा और सह परीक्षकों को नियुक्ति की गई है। वहीं हम आपको बताते चले कि 10,302 MPP की नियुक्ति की गई है। ये सभी 59,44,777 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए मूल्यांकन कार्य 1 से 12 मार्च के बीच होगा। 172 मूल्यांकन केंद्रों पर करीब 59,73,774 कॉपियों का मूल्यांकन होगा। मैट्रिक के लिए 27,006 प्रधान परीक्षक और सह परीक्षक नियुक्ति किए गए हैं। वहीं अगर हम पटना शहर के 5 केंद्रों पर की बात करें तो पटना शहर के 5 केंद्रों पर शुक्रवार से इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन होगा। इसमें BN कॉलेज, कॉलेजिएट स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल, कदम कुआ, GD पाटलिपुत्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्दनी बाग शाहिद राजेंद्र प्रसाद सिंह गवर्नमेंट +2 स्कूल और गर्दनी बाग गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शामिल है। इन केंद्रों पर दो पालियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जाएगी और फिर दोपहर के 3:45 से रात के 9 बजे तक कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 14 फरवरी से लेकर आज तक आयोजित परीक्षा में 14 फरवरी से लेकर कल तक आयोजित परीक्षा में कुल 171 छात्र छात्राओं को परीक्षा के कदाचार की वजह से निष्कासित कर दिया गया। वहीं 117 छात्र छात्राओं को दूसरे की जगह पर परीक्षा देते पकड़ा गया। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक सारण में 43 छात्रों को निष्कासित किया गया। वहीं नालंदा में सबसे अधिक कुल 40 छात्रों को दूसरे जगह परीक्षा देते पकड़ा गया है। पटना में सिर्फ 1 निष्कासित हुए हैं, वहीं कोई भी दूसरी जगह से परीक्षा देते कोई नहीं पकड़ा गया। बुधवार को ऐच्छिक विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें पूरे राज्य में 11,033 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। तो बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अब इसके बाद अब इनके रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी बता दी गई है, जहां पर मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट मार्च के एंड से लेकर 15 अप्रैल के बीच कभी भी आ सकते हैं। वहीं अगर 12वीं कक्षा की रिजल्ट की बात करें, 12वीं इंटर की परीक्षा के रिजल्ट की बात करें, तो वो मार्च में रिजल्ट घोषित हो सकते हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।